हाय गाइस, वेलकम है, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ फैफ पैट के रीयूजेबल पीरियड पैंटीज़। सो इसके काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आए थे एंड बहुत दिनों से पेंडिंग था, सो आई थॉट अब करते हैं बिकॉज समबडी रिसेंटली रिमाइंडेड मी टू डू द रिव्यू एंड सो आई थॉट आज कर लेना चाहिए। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फैफ पैट मैंने जो रीयूजेबल पैंटी है, आई गॉट इट अराउंड 6 to 7 months बैक एंड आई गॉट इट फ्रॉम अमेजोन। एंड मैंने ली इसलिए थी, ऑलरेडी आई वॉज़ यूजिंग लॉट ऑफ पीरियड पैंटीज़ ऑलरेडी, जो रीयूजेबल वाले हैं। डिस्पोजेबल भी मैं यूज़ कर रही थी, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वुमेन हेल्थ करके। सो ये मैंने इसलिए ली थी गाइस, बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई गॉट इट फॉर रिव्यू पर्पज़ बिकॉज ऑलरेडी आई हैड लॉट ऑफ दैम। एंड ये सस्ती थी सब में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज़ फॉर 500 एंड जो लीस्ट मैंने उस वक्त ली थी आई थिंक वो समथिंग लाइक 600 की थी। सो आई थॉट कि अगर इतनी सस्ती मिल रही है सो इज़ गोइंग टू बी लाइक ग्रेट फॉर लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली यू नो कॉलेज स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड लाइक एक्सपेंसिव वंस एंड लॉट ऑफ देम एट दैट पॉइंट फॉर लाइक फॉर 1000, 1100. सो आई थॉट चलो सस्ती वाली ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कैसा रहता है। सो दैट वॉज माई ऑनेस्टली वेरी ओनली एम टू ट्राई द फैफ पैट पीरियड पैंटी बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी थे तब, सो इट वॉज नॉट अ नीड बेस्ड परचेज। सो आई गॉट टू साइजेज, आई गॉट वन मीडियम, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द फैफ पैट बेसिक, जो आपको इन्फो चाहिए वो आप ऊपर आई बटन में दे सकते हैं। मैंने इसका ओपनिंग वीडियो, फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो पहले करा था जहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट आए थे। सो एक इसका मेरे पास है ये मीडियम, सो आई गॉट वन लार्ज एज वेल बिकॉज उस बाई दैट टाइम आई क्वाइट अंडरस्टूड के मीडियम वॉज सूटिंग मी वेल, बट आई ऑल्सो गॉट अ लार्ज जस्ट टू सी अ डिफरेंस सो आई कैन रिव्यू इट। सो आई गॉट अ लार्ज एज वेल, तो मैं पिक्चर डाल दूंगी दोनों साइज़ के डिफरेंस को आप देख सकते हो एंड देन यू कैन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। सो बेसिकली आपको क्या करना होता है गाइस, जो आपका पैंटी साइज़ होता है या तो आप सेम लो या हल्का सा बड़ा ले सकते हो बिकॉज ये लेयर्ड होते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा लोगे तो आपको कंफर्टेबल रहेगा एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड, वन साइज़ अप इज़ मच बेटर देन गोइंग फॉर योर एग्जैक्ट साइज़। इफ़ यू आर कन्फ्यूज एंड ऑब्वियसली गोइंग फॉर एग्जैक्ट साइज़। ओके, सो बात करते हैं अब इसकी क्वालिटी की। सो गाइस, क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी। ना द ओनली थिंग इज़ जिसमें जो वाइट लाइन्स हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगे, आई डोंट नो ये तभी ऐसे थे या जस्ट यही वाले ऐसे थे, आई डोंट नो एग्जैक्ट गॉट देम टुगेदर, सो मुझे तो ऐसे ही मिले थे, सो आई डोंट नो के बाद में ये कैसे थे, बट वो वाइट वाला मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। बात करें इसकी मेक की गाइस, तो यू नो ऑल द पीरियड पैंटीज विच आई हैव बीन लाइक बाइंग ऑल ऑफ देम आर क्वाइट सिमिलर, तो बहुत डिफरेंस आपको ऐसा नहीं लगेगा। अगर आप सबका टैग निकाल के देखो तो शायद आप नहीं बता पाओगे, बट येस सी दिस इज़ स्लाइटली लाइटर, so that means that it has like less layers, you can say less layers of absorb करने के लिए, तो वो पता चल जाता है कि थोड़े से कम है। एंड फिटिंग की बात करूँ तो मुझे मीडियम फिट आया, लार्ज मुझे बड़ा है, सो आई डोंट यूजली यूज़ द लार्ज टू मच, बट अगर मेरे बाकी सब वॉश पे गए हैं एंड आई जस्ट वांट टू यू नो वांट इट फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो मैं लार्ज यूज़ कर लेती हूँ। सो मेरा यूज़ वैसे ज़्यादा तो मीडियम ही हुआ है। तो गाइज, लेयरिंग की बात करूँ तो अच्छी लेयरिंग है, आई वोंट से कि सुपर सुपर हैवी के लिए वर्क करेगा, नहीं करा एक्चुअली मेरे लिए, तो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। सो सेकेंडली पूरा कॉटन का है, जो लेयर्स हैं वो भी कॉटन है, बाहर भी कॉटन है, सो इट्स सुपर कंफर्टेबल। ऑल्सो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी हेल्थ फैब की, जहाँ वो मुझे थाई से टाइट होता है नो मैटर व्हाट साइज आई गेट, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, थाई से काफ़ी कंफर्टेबल है। फिटिंग इसकी ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी, नॉर्मल पैंटी की तरह लगी, तो फिटिंग में कोई इशू नहीं लगा मुझे। मटेरियल भी कॉटन है, ब्रीदेबल है एंड लाइक गर्मी आपको नहीं लगेगी बिकॉज कॉटन ही है गाइस, तो ब्रीदेबल होता है, थोड़े एक्स्ट्रा लेयर्स हैं बट यू विल नॉट फील इट। एंड हम इतने सालों से ना पैड्स पहनते आ रहे हैं, तो पैड्स तो एनीवे कितना ज़्यादा यू नो अनकंफर्टेबल होता था, अगर आप उससे कंपेयर करो तो दिस इज़ नथिंग, लाइक दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो ये बात हो गई इसके मटेरियल और क्वालिटी की, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब हम बात कर लेते हैं, मुद्दे पे आते हैं, जो मेन क्वेश्चन होता है सबका कि एब्जॉर्प्शन कैसा है। सो गाइज, एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो आई फील दिस इज़ ग्रेट फॉर योर मीडियम फ्लो एंड हैवी के बारे में हम ज़्यादा मत सोचो, नहीं तो साइड लीकेज होगी, यहाँ से साइड जो आपका ये एरिया होता है साइड लीकेज आपको दिखेगी। सो आई डोंट थिंक इट वर्क्स फॉर वेरी वेल, लाइक
नॉर्मल सेकेंड डे वाला फ्लो, इट वर्क्स ग्रेट फॉर मीडियम फ्लो। एंड ऑब्वियसली अगर आप सेकेंड डे में पहन रहे हो तो आप इस समझ के चलो कि आपका 2 आवर्स के बाद यू माइट हैव टू चेंज इफ़ यू नाउ गाइज। हैवी और मीडियम भी ना फ्लो सबके लिए ऑब्वियसली अलग होता है। जो मेरे लिए हैवी है शायद आपके लिए वो हैवी ना हो, ज़्यादा हैवी हो या कम हैवी हो, सो इट ऑल्सो डिफर्स। लाइक वो मैं ये एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी कि मेरा हैवी इतना 2 घंटे ले रहा है तो आपका भी हैवी 2 घंटे लेगा। हो सकता है आपका हैवी मेरे से कम हो तो 3 घंटे हो सकता है यू ब्लीड सुपर सुपर एक्स्ट्रा फ्रॉम मी, सो आपका शायद 1 घंटा चले। सो आप मान के चलो कि जो हैवी है फर्स्ट डे, मतलब मुझे 2 घंटा इनफ लगा। ऑल्सो ऑन योर हैवियर डेज आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप इसको पहन के बाहर जाओ, बिकॉज आई डोंट फील कॉन्फिडेंट व्हेन आई गो आउट। मैं अकेले इसको नहीं पहन सकती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अगर आप टैम्पॉन या कप पहन के जा रहे हो, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले रहे हो, तो हैवी फ्लो डे में आप पहन सकते हो, एल्स यू कैरी वन। बट अगर 2 घंटे बाद चेंज ही करना है तो आई डोंट थिंक लाइक इट्स गोना हेल्प यू, बिकॉज वो आपको वापस लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हैवी डे के लिए स्पेशली व्हेन यू गोइंग आउट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड चॉइस। घर में अगर आप पहन रहे हो तो आप बाबा चेंज कर सकते हो अगेन, बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू हैव मल्टीपल पीसेज राइट, बिकॉज आप जल्दी चेंज कर रहे हो। सो आई वुड से दिस इज फाइन फॉर योर मीडियम रेगुलर नॉर्मल फ्लो, दैट्स इट। लाइक मोर लाइक यू नो थर्ड डे आई थिंक तब बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई टेंशन नहीं होती है, तब आप पहन सकते हो। एंड कंसिडरिंग द प्राइस, उस वक्त मुझे लगा था कि वो 500 इज सो लेस, यू नो देखते हैं कैसा होगा, बट नाउ द अदर ब्रांड्स आर गोइंग ऑल्सो टूवर्ड्स द 500 वाला मार्क। एंड अब वो 500 ना इतना कम वाला नहीं रहा है, बिकॉज बाकी ब्रांड्स भी अब मिल जाएंगे आपको सस्ते। सो नाउ वी हैव मोर चॉइसेस, विच मीन्स दैट वी कैन ऑप्ट फॉर मोर पीरियड पैंटी, जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ्लो यू नो आपका हैंडल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सस्ते में यही ऑप्शन है, आपको सस्ते में और भी ऑप्शंस देखेंगे। अगेन मीडियम फ्लो है आपका, या यू नो इफ यूर स्कूल गोइंग, या शुरू शुरू में जब ब्लीडिंग कम होती है, या इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर पीरियड साइकिल, लाइक मैंने पोस्ट टाइम आ रहा होता है, तब भी आपका कम होता है, आप तब पहन कर सकते हो। ऑल्सो यू नो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि हो सकता है पीरियड हो, तब पहन सकते हो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ पहन सकते हो, थर्ड डे मैं बोलूँगी पहन सकते हो अच्छे से। एंड साइड लीकेज हो जाती है गाइज, सो वो एक प्रॉब्लम आती है, साइड लीकेज क्वाइट जल्दी होती है। ऑल्सो वन एक चीज़ मैं जो मैंशन करना चाहूँगी, आई फील दिस इज़ अ वेरी नैरो एरिया, मुझे काफ़ी नैरो लगा ये। एंड यू नो देयर लॉट ऑफ हैवी फीमेल्स हु विल बी वेयरिंग, एंड उनके लिए भी मुझे ये नैरो लगा। थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा वाइड होना चाहिए टू कवर द होल एरिया, सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट लीक्स, दैट कुड बी द रीज़न। बट अगर वैसे आप इसको टच करो तो सुपर सॉफ्ट है, लेयरिंग बहुत अच्छी है इसकी, यहाँ से लेके पीछे तक है, एंड इन्होंने एरिया डेफिनेटली पूरा कवर करा हुआ है। शायद थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा दे देते तो शायद लीकेज नहीं होती, बट वैसे थर्ड डे के लिए अच्छा है। एंड ठीक है, अभी थोड़ा हम बोलेंगे बहुत सस्ता नहीं है, बट सस्ता है, दैट्स फाइन। एंड क्वालिटी भी मैंने बताया आपको अच्छी है, फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है। एंड गाइज ऑल्सो पीरियड पैंट, अगर आप यू नो इसको आई वुड से यू नो यू कैन बाय लाइक 2-3 इसका, एंड यू कैन कीप यूजिंग योर कप्स एंड टैम्पॉन्स, तो आप ये एक दो लेके ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि आपको ये 5-6 ले लेने और पूरे आपको पीरियड में यूज़ करना है, आप थोड़े से भी लेके रख सकते हो, एंड यू नो यू कैन यूज़ इट विद योर अदर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। तो वो एक बैलेंस बन जाता है कि आप पूरा ट्रांजिशन नहीं कर रहे हो पर आप यूज़ कर रहे हो, एंड देन स्लोली यू कैन सी व्हाट वर्क्स फॉर यू व्हाट डजंट वर्क फॉर यू। सो आई ऑलवेज से एक ही पीस लो आप, एंड इसमें मुझे कोई ऑफर भी नहीं दिखा ऐसा कि 2 के साथ 1 मिलेगा, जो हम यूजली देखते हैं बाकी ब्रांड्स में और ले भी लेते हैं। सो इसमें एक ही मिलेगा आपको, तो आप वो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। एंड आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि यू नो लीकेज फ्री है, लीकेज नहीं होता, गाइस कम ऑन, लीकेज होता है एंड समय नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स टू लीक, एंड लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट, एंड लेट्स नॉट कीप सेइंग कि लीकेज नहीं होता है, क्योंकि कम ऑन लीकेज हो रहा है, अनलेस यू वेयरिंग ऑन अ थर्ड डे और यू हैव अ नॉन एग्जिस्टेंट पीरियड, होता है लीकेज। ओके, सो वॉश कैसे करना है, मैं पहले भी आपको बताया हुआ, तो वॉश कैसे करना है गाइज, इसको पहले आप रनिंग वाटर टैप वाटर के नीचे रखोगे, सारा जब ब्लड बाहर निकल जाता है, वाटर क्लियर हो जाता है, तो आप इसको हैंड वॉश कर सकते हो या अपने बाकी कपड़ों के साथ मशीन में धो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, जब आप इसको उतारते हो, चेंज करते हो, इमीडिएटली उसको एटलीस्ट पानी से ब्लड बाहर निकालो। ब्लड अगर आप सिट करने दोगे इवन फॉर 1/2 आवर गाइस, आपका पैंटी का लाइफ ख़त्म होने वाला है। मेरे साथ ये पहले हो चुका है, मैंने गलती करी है, एंड मैं जल्दी में थी, मैंने छोड़ दिया कि मैं आके करूँगी, एंड लीक, मतलब वो फिर समझ लो आप
लीक के तो मतलब बैंड बज गया, फिर तो लीक होना ही होना है, मटेरियल उसका ख़राब होना ही होना है। तो अगर आपको अपने पीरियड पैंटी की लाइफ बढ़ानी है तो आपको वॉश अच्छे से करना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। मजाक में नहीं लेना है, नॉर्मल पैंटी की तरह नहीं लेना है कि रख दिया 2 दिन बाद मशीन चलेगा, 2 दिन बाद एक दिन बाद मैं धोंगी तो हो जाएगा, नहीं है। आपको इमीजिएटली वॉश करना है, एटलीस्ट विद वाटर, ब्लड हैज़ टू बी आउट कम्प्लीटली। नाउ दिस इज़ ग्रेट ऑल्सो फॉर विमेन हु हैव पोस्ट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग, उन टाइम के लिए बहुत अच्छा है गाइस, काफ़ी कम्फर्टेबल है। एंड ऑब्वियसली जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, जो नया नया जिनका मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ट्रैवल पर्पज़ के लिए मैं बोलूँगी मीडियम फ्लो में आप पहन के डेफिनेटली जा सकते हो, तब के लिए बहुत अच्छा है। एज़ प्रोटेक्शन, आप अगर पीरियड्स हो रहे हैं, आपने एक टैम्पन लगाया है या कप लगाया है और वड़ेवर, तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है, टेंशन नहीं होती है, आप इसको पहन सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा है गाइस। एंड अगर होने वाला है पीरियड तो भी आप पहन सकते हो, मतलब नॉर्मल पैंटी की तरह फील होता है, प्रॉपर कॉटन है एंड गर्मी भी नहीं लगती है गाइस। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि गर्मी गर्मी नहीं लगेगी गाइस, डोंट वरी, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। एंड और क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि कितने टाइम के लिए पहन सकते हैं गाइस। सो अगर आपका फ्लो कम हो गया है एंड यू फील कि मुझे वॉश करना पड़ेगा, मेरे पास तो एक दो ही हैं, फिर यू नो सूखेगा नहीं एंड एवरीथिंग, सो सी एनी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट आई फील शुड बी वोन मैक्सिमम 8 to 12 hours तक। 12 hours के ऊपर आप कोई भी मत पहनो, चाहे ड्रॉप ऑफ ब्लड भी नहीं है, बट 12 hours के ऊपर तक आप कोई भी चीज़ मत रखो गाइस, क्योंकि देन वो अनहाइजीनिक है, बैक्टीरिया उसमें बनने लग गया है और आपको होने वाला है यूटीआई इन्फेक्शन। एंड अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि अरे इससे तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है, अरे उससे तो हमें एलर्जी हो जाती है। सो गाइस अपना जो हाइजीन है, अपना जो आपको टेक केयर करना है, वो ऑब्वियसली खुद ही करना है। सो प्लीज़ जितना भी फ्लो है, कम से कम है, जो भी है, 8 to 10 hours में चेंज करना ही करना है, ये आलस नहीं करना है एंड बिंदास नहीं हो जाना है कि छोड़ देना है, नहीं, आप चेंज करोगे। सो एक चीज़ ध्यान रखनी है। एंड गाइस दूसरी चीज़ है कि दीज आर नॉट नॉन रिटर्नेबल, आप इनको रिटर्न तो नहीं कर सकते हो। तो जब भी पीरियड पैंटी लो, प्लीज़ सोच समझ के लो, बहुत सारे रिव्यूज़ देखो, बहुत सारे रिव्यूज़ देखो, बहुत सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं, एड्स भी होते हैं, ठीक है, एवरीबडी डज इट, बट प्लीज़ डू योर होमवर्क, सी एज मैनी रिव्यूज़ एज पॉसिबल, सारे प्रोज एंड कॉन्स देखो, क्वेश्चन पूछो गाइज, वी आर ऑलवेज हेयर टू आंसर, आई ऑलवेज आंसर योर क्वेश्चन, सो प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, डू योर होमवर्क, बाय वॉट सूट्स यू। हाँ ठीक है, हमने जब तक ट्राई नहीं किया, शायद हमें नहीं पता कि मैं क्या सूट करेगा, हो सकता है जो मुझे सूट कर रहा है वो आपको ना करे, हो सकता है जो आपको कर रहा है वो मुझे ना करे, बट कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो आप कोई एक लेके देखोगे, वहाँ से आपका बेस बनेगा एंड देन यू रियलाइज व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डजंट वर्क फॉर यू। सो गाइज ये तो बात रही हमारे फैब पैट की, एंड मुझे पीरियड पैंटी अच्छी लगती है एंड आई वुड गिव इट 3 stars। एंड गाइज बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि बेस्ट वाली पैंटी कौन सी है, सो गाइज मेरे लिए जो बेस्ट है माइट और माइट नॉट वर्क फॉर यू, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, तो आप जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे पूछ लिया करो, बाकी आपकी कॉल है, आपको क्या सूट करता है वो आपको देखना है। सो आप हर ब्रांड का स्टार्टिंग में आप एक एक ब्रांड करके देख सकते हो जो आपको ज़्यादा अपीलिंग लगता है, एंड इफ इट डजंट वर्क फॉर यू देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो फॉर अनदर, बट ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से ही समझ आएगा गाइज, बाकी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हो, बट बी रेडी फॉर ट्रायल एंड एरर, बिकॉज मेरा फ्लो अलग है, आपका फ्लो अलग है, सो बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग है, गाइज ओपन माइंड रखना। एंड गाइज द ब्रांड सेज दैट फॉर एवरी 25 पीरियड पैंटी सोल्ड दे डोनेट 1 पीरियड पैंटी टू द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड वुमेन, सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू डू। एंड अगर आप ले रहे हो एक, तो आप समझो कि आप कहीं तो मतलब किसी की हेल्प कर ही रहे हो, सो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई टू दिस वन। एंड इट सेज दैट इट इज़ कॉटन फैब्रिक मिक्सड विद स्पैंडेक्स, टू स्पैंडेक्स टू सब में थोड़ा सा वो डालते हैं जिससे वो स्ट्रेचेबल हो सके, नहीं तो स्ट्रेच नहीं होगा, सो थोड़ा सा होता है स्पैंडेक्स फॉर स्ट्रेचिंग पर्पज़, बट बेसिकली वो कॉटन ही है, तो आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड गाइज थोड़ा और मैं आपको बता देती हूँ, इसके ये जो पीरियड पैंटी है गाइज, वो एक बैग के साथ आती है, जूट बैग सा कुछ होता है, मुझे तो नहीं मिला बट मैंने बाकी वीडियोस में देखा था एंड फोटोज़ में देखा था कि एक जूट बैग के साथ आता है। गाइज ये है मेड इन इंडिया, इट्स मेड इन कोलकाता। सो मेरे लास्ट वीडियो में जहाँ मैंने इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिया था, मुझे किसी ने कमेंट में लिखा था दैट इट इज़ मेड इन श्रीलंका, सो मैंने रिप्लाई नहीं किया था बिकॉज आई ऑनेस्टली डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़ और नॉट, आई हैड नो आइडिया, बट इफ़ इट्स मेड इन इंडिया देन वी डेफिनेटली शुड सपोर्ट द लोकल मार्केट। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, बाय फॉर नाउ।